खामोखा मैंने अपने नौकर अकेला को इस घर से निकाल दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। बेचारा कहां होगा, क्या कर रहा होगा? खाना खाया नहीं खाया, नौकरी मिली नहीं मिली, कैसी जिंदगी जी रहा होगा? बहुत बड़ी गलती हो गई है। इंसान पहचानना ही नहीं आता हमको, फालतू की बात करता हूं मैं भी। ओ अनोखी दादा, किधर खो गया है तू? दिन में खोला रहता है, रात को सोयला रहता है। तू ये उम्र में थोड़ा फिट फिट रहने का ना, कुछ काम करते रहने का। अब ये रोना गाना कर रहा है। चलो अभी अपने दोनों नौकर को बोलो मेरे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। क्या? अरे पीने का मतलब तुम नहीं समझते क्या? तुम भी वही समझते हो क्या पीने का मतलब? पीने का मतलब दारू नहीं होता है, दूध दही लस्सी छाछ। पिएगा तो एक मारेगा देश का तारा सारा दिखाई देगा, एकदम स्ट्रॉन्ग रहने का। क्या अरे दादा, तुमको नहीं भूला तो मैं अपने कमरे को कैसा भूलूंगा? एक काम करो, इन लोग को बोलो मेरा खाना पीना वहां पहुंचा दे अपन के रूम में, ठीक है? तो इन सबसे ज्यादा कमीना है। ब्रिज, ये तो सब गड़बड़ हो गया है, अब क्या करें? अरे हाँ, ये तो सच में इस घर का मालिक निकला। अगर ये मालिक बन गया तो हमारा क्या होगा? घबराओ मत, अगर वो इस घर का मालिक है तो मैं भी तो इस घर की होने वाली मालकिन हूँ ना। ये पेपर ना, ये प्रॉपर्टी ना, मेरे नाम करेगा वो। कैसे? बताती हूँ। बिजली जो है ना, वो ऐसा अपना जलवा बिखेरेगी ना कि ये पगला जाएगा मेरे प्यार में, और जब ये पगला जाएगा ना, तब मैं इसको ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करने के लिए बोलूंगी, समझे? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ अब। हाँ?